नमस्कार। किम जोंग उन की चर्चा तो हमने कर ली कि किम जोंग उन एक ऐसे नेता जिनको लेकर के दुनिया उम्मीद कर रही थी कि क्या वो नए राष्ट्रपति इलेक्ट यानी प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन को बधाई देंगे या नहीं, उन्होंने बधाई नहीं दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किम जोंग उन जो है वो बड़े बड़े नेताओं की बधाई जो बाइडेन तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब भी दुनिया में दो तीन देश ऐसे हैं, नॉर्थ कोरिया को अगर परे कर लिया जाए तो दो देश और ऐसे हैं खासतौर पर, वैसे तो कई देशों का नाम है अभी इसमें, लेकिन दो और ऐसे देश हैं जिनकी तरफ दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी कि क्या ये दोनों देश या इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन को बधाई देंगे या नहीं। दो देश जिसमें पहला नाम रूस का, दूसरा नाम चीन का। चीन यानी शी जिनपिंग, रूस यानी व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी अभी तक जो बाइडेन को बधाई नहीं दी है। हालांकि चीन की तरफ से अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात की जानकारी दे दी गई है कि वो नए राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए तैयार है। वो दुनिया के अलग अलग मसलों पर अमेरिका के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, फिर बात चाहे ट्रेड टैक्सेस की हो या फिर कोविड वैक्सीन को लेकर के, इसको लेकर के चीन की तरफ से बयान आया। लेकिन पर्सनल फ्रंट पे शी जिनपिंग ने जो बाइडेन के नाम कोई बधाई दी हो ऐसी कोई खबर अभी तक सामने निकलकर नहीं आई है। जबकि दुनिया के तमाम बड़े नेता, जिसमें हम आपको बार बार बता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम है, यहां तक कि कांग्रेस के राहुल गांधी का भी नाम है जिन्होंने बधाई दी, और सबसे पहले नेताओं में से थे भारत की तरफ से जिन्होंने बधाई दी थी। तो इन सारी चीजों की चर्चा तो हो चुकी, लेकिन ये दो देश पुतिन की तरफ से जो हमें अब तक खबर मिली है, पुतिन की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक आधिकारिक रूप से ये बात साफ नहीं हो जाती, बधाई देने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अगर इसको भी एक टेक अवे के तौर पर ले लिया जाए तो फिर पुतिन की बात सही भी नजर आती है कि जब तक चीजें पूरी तरह से सामने नहीं आ जाती, यानी आधिकारिक रूप से चीजें नहीं हो जाती, तब तक बधाई देने जल्दबाजी है क्या, पता नहीं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने, जहां तक मुझे जानकारी है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जो बाइडेन को बधाई दी थी और उसके बाद फिर नेताओं के नाम जुड़ते चले गए उसमें, और वो बधाई सीधे तभी आई थी जब अमेरिकी मीडिया चैनल्स ने 270 के पार उस आंकड़े को दिखाया था जिसके पार जो बाइडेन पहुंच गए थे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि धुर विरोधी चैनल्स ने ना दिखाया हो या जो प्रो चैनल्स थे उन्होंने दिखाया हो, बल्कि पूरी की पूरी अमेरिकी मीडिया, दुनिया की मीडिया ने, बीबीसी तक ने इस बात का जिक्र किया था, जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है उसने भी इस बात का जिक्र किया। और फिर जैसे ही वहां से पुष्टि आई तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि बोरिस जॉनसन की तरफ से भी बधाई आ गई, एंगेला मार्केल की तरफ से भी बधाई आ गई। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो देखने को मिली, लेकिन इन सारी चीजों के बीच अब भी दुनिया को इंतजार है कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, इसके अलावा जो मैंने आपको एक दिलचस्प कहानी पहले भी बताई कि किम जोंग उन, इन तीन नेताओं पर इस वक्त पे, राष्ट्राध्यक्षों पर इस समय पे दुनिया की नजरें हैं कि ये जो बाइडेन को बधाई देंगे या नहीं, क्योंकि इन देशों के साथ न सिर्फ आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से, बल्कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए भी बहुत अहम है कि अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसका टेक क्या होता है, रशिया को वो किस निगाह से देखता है। हालांकि अगर आप डेमोक्रेट्स की हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि रशिया को लेकर कोई ज्यादा रुख बदलने वाला नहीं है। इसके अलावा चीन के प्रति क्या व्यवहार रहेगा, और खास तौर पर दोनों देशों के नेताओं के बीच जिस तरह से, अब जब मैं अमेरिका के नेता की बात कर रहा हूं तो मैं जो बाइडेन का जिक्र कर रहा हूं, जो बाइडेन और किम जोंग के बीच जिस तरह से एक कोल्ड वॉर देखने को मिला था, उस तरह से तो अभी भी समझ नहीं आता है कि दोनों देशों के बीच चीजें नॉर्मलाइज होंगी या नहीं। लेकिन इस बीच चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसको लेकर के यह कहा जा सकता है कि अमेरिका थोड़ा सा नॉर्मल पड़ सकता है, क्योंकि लेकिन हालांकि दूसरी तरफ जैसा मैंने पहले भी कहा कि दबाव होगा इस बात का जो बाइडेन के ऊपर कि वो चीन की तरफ अपनी रणनीतियों पे थोड़ा सा हल्कापन दिखाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।